जेट ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, जैसा लोगों दिया गया एग्जाम्पल में कंसीडर द रिएक्शन बिटवीन आयरन 2+ आयरन के ऑक्सीजन से 2 है एंड डाइक्रोमेट आयन इन एसिडिक सोल्यूशन। ये रिएक्शन हमारी दी गई है, देखिए Cr2O7-2 Fe+2 H+ गिव्स Fe+3 Fe+ Fe+3 H2O। ये रिएक्शन दी गई। तो हमने इसके देखो जो पॉइंट होते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मैटर को सॉल्व करने के लिए, मैंने वो पेज आपको भेज दिया है, वो मटेरियल उसको देख लेना जाके। उसके बाद मैं एग्जांपल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करें, जनरली वे बता दें आपको, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे जो भी हमारी रिएक्शन दी होगी तो हमें ये नोट करना है वो रिएक्शन हमारी किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में। तो देखिएगा पहली यहाँ पे कंडीशन दे दी उसने एसिडिक मीडियम में, तो ये हमें रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में सॉल्व करना है। एसिडिक मीडियम में करेंगे तो हम लोग H+ लगाएंगे, H2O लगाएंगे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। यदि बेसिक मीडियम में दिया होता तो हमें OH लगाना होता और H2O लगाना होता रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, H और OH को बैलेंस करने के लिए। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी रिएक्शन दी गई हो उसको हमें हाफ इक्वेशन फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद हमें उसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन निकाल लेने हैं, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमें ये है कि हमें जो भी रिएक्शन दी जाएगी उसका हमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के बाद उसमें हमें जो आयन दिए होंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हमें बैलेंस करने हैं। वो बैलेंस होने के बाद रिएक्शन को पूरा सॉल्व कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर देंगे और रिएक्शन को एड कर देंगे। इतना हमें काम करना है, बेसिकली इतना ही काम होता है। देखिएगा तो हमें हमें क्या करना है, हमने लिखा है यहाँ पर पहला स्टेप सेपरेट द इक्वेशन इंटू टू हाफ इक्वेशन। तो देखिए ये आपका क्रोमियम यहाँ पे है और ये इसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, ये आयरन यहाँ पे है ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बाकी ये एच और H2O को निकल नहीं लिखेंगे, हाफ रिएक्शन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं बाद में। तो हमने देखो लिखा ये क्रोमियम का इसमें लिखा और Fe+2 का Fe+3 लिख दिया, ये हो गया यहाँ पे। अब हमें डिफाइन करना है किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है किस में रिडक्शन हो रहा है। जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाए वो ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिए +2 का +3 हो गया तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो मैंने इसको निकाला, आप देख लीजिएगा यहाँ पे यही तो निकाला है Cr2O7-2, तो उसकी निकालेंगे +6 आ गई क्योंकि 2 क्रोमियम 2X हो गया, प्लस ऑक्सीजन -2 होती है, 7 ऑक्सीजन × 7 इसकल टू -2। तो इसको सॉल्व करेंगे H=+6 आ जाएगा। तो आप देखिएगा +6 का +3 में गया, जितना चार्ज होता है वो ऑक्सीजन संख्या कहलाती है, +3 में गया तो ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज कर रही है तो रिडक्शन हो गया। बैलेंस द इलेक्ट्रॉन, तो देखिए क्या है +2 +3 में कितने डिफरेंस आ रहा है, एक का, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया। ऑक्सीजेशन में इलेक्ट्रॉन राइट साइड लिखते हैं। अब +6 का +3 में कितने डिफरेंस आ रहा है, 3 का, 3 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब मैं इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, बैलेंस करो अभी करना था तो अभी कर लो। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे, वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे देखो Fe1 है, यहाँ भी Fe1 है तो बैलेंस है ऑलरेडी। यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ क्रोमियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लगा, तो हमें ये एटम को बैलेंस करना है। तो मैंने लिखा बैलेंस द अदर एलिमेंट टेक प्लेस एसिडिक मीडियम, ध्यान रखिएगा रिएक्शन जो हो रही है एसिडिक मीडियम में हो रही है क्योंकि इक्वेशन में दे रखा है उसने पहले से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हमारी हो रही है। तो हमने क्या किया, अब इसको हमने बैलेंस किया। तो देखो क्रोमियम यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 7 है, 7 है ना, और यहाँ पे तो 7 ऑक्सीजन है। तो अब हमें हाइड्रोजन, अब एसिडिक मीडियम में तो हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, तो हमने यहाँ पे 7H2 लगा दिए, 7H2 लगाए तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 14 तो 14 हमने हाइड्रोजन लगा दिया यहाँ पे। अब हो गया, अब यहाँ पे इसमें देखिएगा इसके लिए अब देखो क्रोमियम 2 हुआ तो 2 हमने आगे मल्टीप्लाई कर दिए तो एटम बैलेंस हो गए। अब हमें इसमें देखिएगा इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना तो हमें यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना था, तो हमने इसी डायरेक्ट कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन को आपने ऐड कर लिया। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन ये, 3 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गया, बाकी को आप ऐड कर दीजिए तो 3 Fe+2 बाकी ये वाला 14H+ बाकी गिफ्ट ये वाला ऐड कर दिए। तो ये हमारी आयन इलेक्ट्रॉन मैटर से रिएक्शन सॉल्व हो गई है, एक एग्जांपल मैंने करके दिखा दिया, बाकी एग्जांपल आपको खुद सॉल्व करना है। प्रॉब्लम आएगी तो आप
डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे।